नमस्कार दोस्तों हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक कर अभिनंदन करता हूँ दोस्तों बिगनर्स क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पिन की मतलब कॉम्बिनेशन की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं जब भी कोई खिलाड़ी शतरंज में अपने मिडिल गेम को बेहतर करना चाहता है ये पहली सीढ़ी होती है जब आप कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं और कॉम्बिनेशन में हमेशा सबसे पहला नाम आता है पिन का तो आइए जानते हैं पिन क्या होता है तो ये जो पोजीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम वाइट के खिलाफ पिन का इस्तेमाल करने पहले वाले हैं इससे पहले कि हम इस पिन का इस्तेमाल करें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिन दो प्रकार के होते हैं पहला एप्सलूट पिन दूसरा रिलेटिव पिन एप्सलूट पिन जो होता है वो राजा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है मतलब राजा के खिलाफ जब पिन होता है तो उसे एप्सलूट पिन कहते हैं और ये सबसे ख़तरनाक होता है दूसरा रिलेटिव पिन जो आप दूसरे बड़े मोहरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो पिन कैसे और किन परिस्थितियों में आता है उसको जानने के लिए हमें कुछ चीजें समझना होगी जैसे अगर कोई पीस राजा के साथ सेम फाइल पे हो तो पिनिंग उस पर की जा सकती है इस्तेमाल सेम रैंक पर हो तो पिनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है सेम डायोगनल पर हो तो पिनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है अब यहाँ पर अगर हम देखें हम रुकडीवन अगर खेल दें तो ये नाइट जो है फिलहाल पिन हो चुका है मतलब ये नाइट अपनी जगह से हट नहीं सकता है अगर हमें इस बिशप को पिन करना हो तो हम रुक एच सेवन जाकर के इस बिशप को भी पिन कर सकते हैं और अगर हमें इस रुक को पिन करना हो तो हम इस बिशप को यहां पर ले जाकर के इस डायगोनल पर इस रुक को पिन कर सकते हैं दरअसल पिन करता क्या है पिन करता यह है कि अगर ये राजा के खिलाफ किया गया है तो जिस मोहरे को पिन किया गया है वो मोहरा मूव नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऐसी कोई भी चाल बोर्ड पर नहीं चल सकते हैं जिससे आपको राजा को खुद चेक आ जाए वो चाल इनलीगल हो जाएगी तो ऐसे में वो पीस वहीं पर ठहर जाता है और फिर आ, कभी कभी उसके लॉस होने की संभावना जो है क्षति होने की संभावना काफी बढ़ जाती है तो ये था वो पहला एग्जाम्पल जिसको मैंने आपको बताया कि पिन का बेसिक उद्देश्य क्या है और किस तरह से पिन होता है ओके तो आ, ये था पहला एग्जाम्पल तो मैं अगर बात करूं कि मैंने पहली बार पिन कब देखा था तो ये पोजीशन देखिए दोस्तों मुझे बचपन में जब मैंने शतरंज खेलना शुरू किया काफ़ी लेट खेलना शुरू किया बट कोई नॉलेज तो था नहीं ना ही कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग थी तो उस समय जब मुझे समझ में आया कि बिशप जैसे यहाँ पर आप देखिए अपोनेंट का नाइट घोड़ा जो है वो निकला हुआ एफ सिक्स पर आपने जी फाइव से ले जा करके बिशप को जो है पिन कर दिया तो तब मुझे नाम नहीं पता था पिन बस मुझे इतना पता था कि अगर आपने बिशप ले जाकर कर यहाँ पर रख दिया है और सामने वाला अपना घोड़ा हटाएगा तो उसका वजीर जो है मर जाएगा तो जब आप शुरुआत में शतरंज खेलते हैं तो आप वजीर मारने के लिए बड़ा उत्सुक होते हैं तो ये मेरी पिन से पहली मुलाकात थी और जब मुझे पता लगा कि अच्छा हालांकि तो मारने की कोशिश और दूसरे शुरुआत में जब आप शतरंज खेलते हैं बिगनर, आप सामने वाले के राजा की मात करने के लिए भी बड़े उत्सुक होते हैं या उसके बदले कुछ लेने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं तो उस समय भी मुझे पहली बार पता लगा था कि मतलब बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ कि मेरा क्वीन यहाँ पर था और मुझे लगा कि बिशप जो है एथसिक्स पर जब आएगा तो ये भी खेलते खेलते ही अंदाजा हुआ इस चीज़ का कि ऐसा कुछ भी होता है और यहां पर मेट लग जाती है क्योंकि पॉन जो है इस बिशप को नहीं मार सकता है तो इनडायरेक्टली मतलब प्रैक्टिकल शतरंज खेलते खेलते इस बात का अंदाज़ा मुझे होने लग गया था कि पिनिंग जो है इस तरीके से लगाया जाता है बोर्ड पर नाम नहीं पता था मुझे लगता है यही बात बहुत सारे बिगिनर्स लोगों के साथ भी होती है उन्हें समझ में आता है कि इस तरह की एक चाल भी जो है पॉसिबल है ओके okay, खैर ये तो बात थी कि कैसे मुझे पिन के बारे में पता लगा फिर भी एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा पिनिंग के बारे में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखें तो ये भी खेलते खेलते पता लगी थी कि अगर राजा के सामने क्वीन मिल जाए तो ये भी पिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप देखिए यहां पर कि आपको क्वीन ही मिल जाता है अगर रुक जो है वो सामने आ जाए तो तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकली खेलते खेलते सीखी थी मतलब बिना किसी बेसिक चीज़ के बिना किसी बेसिक समझ के बस आप खेलते खेलते आपको अंदाजा हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें जो है बोर्ड पर पॉसिबल हैं और मुझे लगता है शायद पिनिंग का आविष्कार जब किसी ने भी पिन को पहली बार लिखा होगा तो वो भी खेलते खेलते ही लोगों को पता लगा कि अच्छा इस तरह की चालें जो हैं वो खेल में पॉसिबल है और फिर इसे एक रूप दिया गया फिर इसे लिखा गया और तैयार किया गया और एक आप कह सकते हैं सूचीबद्ध किया गया कि हाँ पिन इसको कहते हैं और इस इस स्थिति में पिन होता है ओके okay, आगे बढ़ते हैं आ, ये पोजीशन है तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम जानेंगे मेकिंग पिन पहला पार्ट मतलब पिन को बनाना कैसे है पिन को बोर्ड पर करना कैसे है तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अगर सफ़ेद की चाल हो तो आपको आपकी जैसी नजर गई कि अच्छा ये राजा जो है और ये हाथी जो है वो एक डायोगनल पर है लाइट कलर का डायग्नल है और मेरे पास लाइट कलर का ऊंट भी है मतलब सफेद खाने का ऊंट है और आप बिशप सी फोर लाकर यहां पर रख देंगे और ये हो जाएगा मेकिंग पिन ओके अब पिन हो गया अब पिन अगर कोई चीज है तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है तो अभी मेकिंग पिन का खेल दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो जैसे ही आपको दिखा अच्छा क्वीन रुक सेम डायगोनल पर है और आपके पास एक सपोर्ट है सेम रैंक पे है सॉरी और आप अपना रुक ले जाकर के बी सेवन पर रख देते हो तो ये मेकिंग पिन का स्टेज है जब आप रियलाइज करते हो कि कोई मटेरियल जो है वो राजा के साथ या किसी बड़े मोहरे के साथ सेम फाइल रैंक या डायग्नल में आ रहा है और आपके पास पिनिंग वहां पर अवेलेबल है ओके okay? इसके बाद क्या होता है पिन तो आपने किसी चीज को कर दिया अब दूसरा स्टेप आता है कि कोई चीज अगर पिन है तो उसका एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो तो एक बड़ी चीज ये होती है कि जब भी कोई पॉन हो पीस हो कोई भी चीज़ जो पिन होता है उसका पावर जो है वो ऑलमोस्ट लैप्स हो जाता है मतलब जीरो हो जाता है जैसे यहाँ पर आप देखिए इस राजा के खिलाफ इस पॉन को इस बिशप ने पिन किया हुआ है तो जैसे ये पॉन पिन हो जाता है वैसे ही इस पॉन का जो पावर है वो शून्य की तरफ चला जाता है मतलब अब ये जो पॉन इस यहां पर जो इस रुख को सपोर्ट कर रहा था वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो वहां से हट नहीं सकता है। मतलब सेम डायरेक्शन में तो हट सकता है लेकिन किसी दूसरे डायरेक्शन में हट नहीं सकता जिससे राजा को चेक आए तो यहां पर आप देखिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं क्वीन इंटू सी फोर क्योंकि अब वो पॉन पिन है तो मूव नहीं हो सकता तो आपने सी फोर का जो है यहां पर पीस मार लिया तो ये हो गया यूजिंग पिन का पहला एग्जाम्पल अब देखते हैं यूजिंग पिन का दूसरा एग्जाम्पल ये पोजिशन आप देख सकते हो यहां पर आप देखिए कि इस रुक के खिलाफ ये नाइट को पिन किया हुआ है मतलब अगर यह नाइट हटेगा तो यह रुक मर जाएगा तो यहां पर बात यह है कि यह है रिलेटिव पिन मतलब राजा के खिलाफ होता है तो आप ही नहीं सकते यहां पे तो ब्लैक चाहेगा तो हट सकता है तो यहां पर अब मुझे अगर इस नाइट पर अटैक करना होगा तो पहले से ही जो पीस पिन हो उसके अगर ऊपर आप एक और एक्स्ट्रा अटैक कर दें तो बहुत बारी संभावनाओं में आपको पीस मिल जाता है या बदले में कुछ ना कुछ मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट सी थ्री बहुत ही सिंपल चाल है अब इस अगर इस नाइट को आपने नहीं हटाया तो आप फ्री में नाइट मार लेंगे तो मजबूरन जो यहाँ पर सही चाल है वो है नाइट इंटू नाइट और बदले में रुक जो है वो देना पड़ेगा और डेफिनेटली यहाँ पर वाइट जो है वो एक्सचेंज अप होकर के मैच जीत जाता है तो ये था यूजिंग पिन का दूसरा एग्जाम्पल और अब देखते हैं यूजिंग पिन का तीसरा एग्जाम्पल ये उन एग्जाम्पल्स में से एक है जो मैंने बचपन में जब भी मैंने कॉम्बिनेशन करना शुरू किया तो मेरा फेवरेट था तो इसमें मेकिंग पिन और यूजिंग पिन एक साथ आने वाला है तो यहां पर देखिए अगर आपने इससे पहले कभी इसको सॉल्व ना किया हो तो पॉज करके जरूर यहां पर पोजीशन लगा के ढूंढने की कोशिश कीजिएगा ओके तो यहां पर वाइट की चाल है और वाइट जो है इस मैच को फटाफट कम कर देता है बिना कोई मौका दिए हुए ब्लैक को कैसे ब्लैक का चूंकि वाइट का जो बिशप है वो इस डायगनल पर काफी एक्टिव है और वाइट अपने दिमाग में सोचता है इमेजिन करता है कि अगर ये किंग एच एड पर होता तो मैं क्वीन एच सिक्स से चेक देता पिनिंग पॉन होता पॉन मार नहीं पाता किंग को वापस जी एड जाना होता और मैं मेट कर देता तो जैसे उसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये पॉसिबल है उसने अपना रुख जो है एच एड पर सेक्रीफाइस दिया ओनली मूव था जैसे किंग यहाँ शिफ्ट होता है इस पॉन ये पॉन जो है पिन हो गया मतलब ये पावर जो था ये वाले स्क्वायर का जो पावर था वो लैप्स हो गया आ, आपके पॉन का और इसीलिए क्वीन एच सिक्स चेक फोर्स किंग जी एट और क्वीन जी सेवन यहां पर चेकमेट जो है वो हो जाती है तो ये सारे एग्जाम्पल थे दोस्तों जो हमने देखे जिसका इस्तेमाल जो है पिनिंग के लिए किया गया अब मैं आपको एक मैच दिखा रहा हूं यह एंडरसन उल्फ और अनातोली कार्पो के बीच खेला गया मुकाबला 1995 में मुकाबला खेला गया था और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर मतलब मैं आपको ये गेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि टॉप लेवल पर भी पिनिंग जो है वो आज भी काम करता है टॉप लेवल पर खिलाड़ियों के खिलाफ भी पिनिंग का इस्तेमाल होता है और हालांकि वो थोड़ा कुछ स्टेप आगे हो सकता है इस पोजीशन में ब्लैक ने मूव खेला नाइट बी फोर अब जैसे ही ब्लैक यहाँ पर नाइट बी फोर खेलता है ब्लैक वाइट को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो ये जो बिशप रखा है इसके सामने जो पॉन रखा है ये एक प्रकार से पिन है क्योंकि अगर ये पॉन हट जाए तो ये क्वीन और रुक के सपोर्ट से बिशप को मारा जा सकता है बस इसी पॉइंट के कारण यहाँ पर वाइट मूव खेलता है डी फाइव और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर आप मारें नहीं मारें तो वो पॉन आगे भी आने वाला है और बिशप ट्रैप होने वाला है तो यहाँ पर आ, नाइट एफ़ इंटू डी फाइव उनको मारना पड़ा नाइट इंटू डी फाइव यहाँ पर उन्होंने मारा बिशप इंटू जी फाइव सो नाइट इंटू बी फोर क्वीन ई सेवन हटे यहाँ पर और अगर मान लीजिए यहाँ पे नाइट डी फाइव वापस मारते सो नाइट इंटू डी फाइव बिशप इंटू डी फाइव बिशप इंटू डी फाइव वही पिनिंग की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो सारा खेल जो है वो हो रहा है और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये नाइट इंटू एफ डी फाइव मारने भी जाएंगे इस पोजिशन पर सो बिशप इंटू डी फाइव आप नाइट से नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन मर जाएगा क्वीन से मारना होगा और उसके बाद रुक इंटू डी फाइव जो है पिनिंग का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो हो जाएगा मैच में डी फाइव हुआ था और उसके बाद इन्होंने नाइट एफ डी फाइव मारा था सो नाइट डी फाइव उन्होंने मारा था बिशप इंटू जी फाइव नाइट इंटू बी फोर क्विनई सेवन हटे थे क्योंकि रुक से अटैक था सो नाइट डी फाइव वापस यहाँ पर और उन्होंने बी डी फाइव बी डी फाइव और अल्टीमेटली आप देखिए कि यहाँ पर वाइट जो है वो पीस अप हो गया था तो ये एक बड़े दो बड़े ग्रैंड मास्टरों के बीच का मुकाबला था तो आज भी बड़े बड़े मुकाबलों में कहीं ना कहीं एक एक आप कह सकते हो कि थोड़ा कठिन फॉर्मेट में पिनिंग का इस्तेमाल आपको हमेशा मिलेगा तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको जानना चाहिए सीखना चाहिए और ये आपको एज अ बिगिनर से जो है मास्टर की जो आपकी जर्नी है उसमें काफी काम आएगा उम्मीद करता हूँ पसंद होगा पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले देखते रहिए चेस बेस इंडिया चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन जय हिंद तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से जी हाँ चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर खेल का विश्लेषण चेस्बिस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबिस इंडिया चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बैल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों क्योंकि इसी से मिले कि आपको सारे नोटिफिकेशन फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें